बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हुआ तो गांधी जी ने वहीं एक नामचीन होटल में ठहरने का निश्चय किया ताकि लोगों से मेल जोल बढ़ा सकें उसी दौरान इस होटल में लॉर्ड गर्जन का दरबार लगा जिसमें गांधी जी ने देखा कि बड़े से बड़े राजा महाराजा भी अपनी पोशाक छोड़कर अंग्रेजों की पसंद की वेशभूषा धारण करने पर मजबूर थे इससे गांधी जी को अत्यंत निराशा हुई इसी बीच गांधी जी को गोखले जी का निमंत्रण मिला और वे खुद ही गांधी जी को लिवाने भी आए ताकि साथ रहकर गांधी जी की झिझक को खत्म कर उनकी सहायता कर सकें इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय गोखले के साथ एक महीना भाग एक पहले ही दिन गोखले ने मुझे ये अनुभव न करने दिया कि मैं मेहमान हूं उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा मेरी सब आवश्यकताएं जान ली और उनके अनुकूल सारी व्यवस्था कर दी सौभाग्य से मेरी आवश्यकताएं थोड़ी ही थीं मैंने अपना सब काम स्वयं कर लेने की आदत डाली थी इसलिए मुझे दूसरों से बहुत थोड़ी सेवा लेनी होती थी स्वावलंबन की मेरी इस आदत की उस समय की मेरी पोशाक आदि की सफाई की मेरे उद्यम की और मेरी नियमितता की उन पर गहरी छाप पड़ी थी और इन सब की वे इतनी तारीफ करते थे कि मैं घबरा उठता था मुझे यह अनुभव न हुआ कि उनके पास मुझसे छिपा कर रखने लायक कोई बात थी जो भी बड़े आदमी उनसे मिलने आते उनका मुझसे परिचय कराते थे ऐसे परिचयों में आज मेरी आंखों के सामने सबसे अधिक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय आते हैं वे गोखले के मकान के पास ही रहते थे और कह सकता हूं लगभग रोज ही उनसे मिलने आते थे ये प्रोफेसर राय हैं इन्हें हर महीने आठ सौ रुपए मिलते हैं ये अपने खर्च के लिए चालीस रुपए रखकर बाकी सब सार्वजनिक कामों में दे देते हैं इन्होंने ब्याह भी नहीं किया है और ना करना चाहते हैं इन शब्दों में गोखले ने मुझसे उनका परिचय कराया था आज के डॉक्टर राय और उस समय के प्रोफेसर राय में मैं थोड़ा ही फर्क पाता हूं जो वेशभूषा उनकी तब थी लगभग वही आज भी है हां आज वे खादी पहनते हैं उस समय खादी थी ही नहीं स्वदेशी मिल के कपड़े रहे होंगे गोखले और प्रोफेसर राय की बातचीत सुनते हुए मुझे तृप्ति ही ना होती थी क्योंकि उनकी बातें देश हित की ही होती थी अथवा कोई ज्ञान चर्चा होती थी कोई दुखद बात भी होती थी क्योंकि उनमें नेताओं की टीका रहती थी इसलिए जिन्हें मैंने महान योद्धा समझना सीखा था वे मुझे बोने लगने लगे गोखले की काम करने की रीति से मुझे जितना आनंद हुआ उतनी ही शिक्षा भी मिली वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे मैंने अनुभव किया कि उनके सारे कार्य देश के निमित्त से ही थे सारी चर्चाएं भी देश कार्य के खातिर होती थीं उनकी बातों में मुझे कहीं मलिनता दम्भ अथवा झूठ के दर्शन नहीं हुए हिंदुस्तान की ग़रीबी और ग़ुलामी उन्हें प्रतिक्षण चुभती थी अनेक लोग अनेक विषयों में उनकी रुचि जगाने के लिए आते थे उन सबको वे एक ही जवाब देते थे आप ये काम कीजिए मुझे अपना काम करने दीजिए मुझे तो देश की स्वाधीनता प्राप्त करनी है उसके मिलने पर ही मुझे दूसरा कुछ सूझेगा इस समय तो इस काम से मेरे पास एक क्षण भी बाकी नहीं बचता, रानाडे के प्रति उनका पूज्य भाव बात बात में देखा जा सकता था राानाडे ये कहते हैं ये शब्द तो उनकी बातचीत में लगभग सूतउवाच जैसे हो गए थे मैं वहां था उन्हीं दिनों रानाडे की जयंती अथवा पुण्यतिथि पड़ती थी ऐसा लगा कि गोखले उसे हमेशा मनाते थे उस समय वहां मेरे सिवा उनके मित्र प्रोफेसर कातवटे और दूसरे एक सज्जन थे जो सब जज थे इनको उन्होंने जयंती मनाने के लिए निमंत्रित किया और उस अवसर पर उन्होंने हमें रानाडे के अनेक संस्मरण सुनाए रानाडे तैलंग और मांडलिक की तुलना भी की मुझे स्मरण है कि उन्होंने तैलंग की भाषा की प्रशंसा की थी सुधारक के रूप में मांडलिक की स्तुति की थी अपने मुवक्किल की वे कितनी चिंता रखते थे इसके दृष्टांत के रूप में यह किस्सा सुनाया कि एक बार रोज की ट्रेन छूट जाने पर वे किस तरह स्टेशन ट्रेन से अदालत पहुंचे थे और रानाडे की चौमुखी शक्ति का वर्णन करके उस समय के नेताओं में उनकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की थी रानाडे केवल न्यायमूर्ति नहीं थे अर्थशास्त्री थे सुधारक थे सरकारी जज होते हुए भी वे कांग्रेस के दर्शक की तरह निडर भाव से उपस्थित होते थे इसी तरह उनकी बुद्धिमत्ता पर लोगों को इतना विश्वास था कि सब उनके निर्णय को स्वीकार करते थे ये सब वर्णन करते हुए गोखले के हर्ष की कोई सीमा न रहती थी गोखले घोड़ा गाड़ी रखते थे मैंने उनसे इसकी शिकायत की मैं उनकी कठिनाइयां समझ नहीं सका था पूछा आप सब जगह ट्राम से क्यों नहीं जा सकते क्या इससे नेतावर्ग की प्रतिष्ठा कम होती है कुछ दुखी होकर उन्होंने उत्तर दिया क्या तुम भी मुझे पहचान न सके मुझे बड़ी धारा सभा से जो रुपया मिलता है उसे मैं अपने काम में नहीं लाता तुम्हें तो ट्राम में घूमते देखकर मुझे ईर्ष्या होती है पर मैं वैसा नहीं कर सकता जितने लोग मुझे पहचानते हैं उतने ही जब तुम्हें पहचानने लगेंगे तब तुम्हारे लिए भी ट्राम में घूमना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाएगा नेता जो कुछ करते हैं सो मौज शौक के लिए ही करते हैं यह मानने का कोई कारण नहीं है तुम्हारी सादगी मुझे पसंद है मैं यथासंभव सादगी से रहता हूं पर तुम निश्चित मानना कि मुझ जैसों के लिए कुछ खर्च अनिवार्य है इस तरह मेरी ये शिकायत तो ठीक ढंग से रद्द हो गई पर दूसरी जो शिकायत मैंने की उसका कोई संतोषजनक उत्तर वे नहीं दे सके मैंने कहा पर आप टहलने भी तो ठीक से नहीं जाते ऐसी दशा में आप बीमार रहे तो इसमें आश्चर्य क्या क्या देश के काम में से व्यायाम के लिए भी फुर्सत नहीं मिल सकती जवाब मिला तुम तो मुझे किस समय फुर्सत में देखती हो कि मैं घूमने जा सकूं? मेरे मन में गोखले के लिए इतना आदर था कि मैं उन्हें प्रत्युत्तर नहीं देता था उनके उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ था फिर भी मैं चुप रहा मैंने ये माना है और आज भी मानता हूं कि कितने ही काम होने पर भी जिस तरह हम खाने का समय निकाले बिना नहीं रहते उसी तरह व्यायाम का समय भी हमें निकालना चाहिए मेरी ये नम्र राय है कि इससे देश की सेवा अधिक ही होती है कम नहीं अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय गोखले के साथ एक महीना भाग एक वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज